बात अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए आपको लिए चलते हैं आज हरियाणा प्रदेश के जिला पलवल तथा मेवात इलाके की ओर, जहां आज मेवात के ऐतिहासिक गांव कोट में मेवात के दो महान योद्धा दादा बहाड़ कोटिया तथा राजा हसन खां मेवाती का शहीदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दादा बहाड़ कोटिया वो महान योद्धा थे जो मुगल काल में अकबर बादशाह के शीश महल से बिसरू मेवात की खूबसूरत बेटी रजनीबाई को मेवात की 36 बिरादरी का कहने पर जबरदस्ती लेकर मेवात लौटे। मगर आगे अंजाम ये हुआ कि दादा बहाड़ कोटिया को अकबर बादशाह ने अपनी सेना की ताकत से दादा बहाड़ कोटिया को फांसी के फंदे पर लटका दिया और महान योद्धा दादा बहाड़ कोटिया देश की इज्जत की खातिर शहीद हो गए। अब आपको लिए चलते हैं मेवात के एक ऐसे महान राजा हसन खां मेवाती की ओर, जो कानवा के मैदान में हिंदू राजा महाराणा सांगा के साथ विदेशी आक्रमणकारी मुगल बादशाह बाबर से लड़ते लड़ते 15 मार्च के दिन शहीद हो गए थे। तो तब से लेकर आज तक मेवात और आसपास के इलाके के सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर हर साल 15 मार्च को शहीदी दिवस धूमधाम से मनाते हैं। इस मौके पर कोटगांव के प्राइवेट मेवात विकास पब्लिक स्कूल में इस शहीदी दिवस के मौके पर हतीन विधानसभा क्षेत्र के SDM वकील अहमद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री मरहम चौधरी जलेब खान साहब के साहबजादे चौधरी इसराइल खान भी अपने पैतृक गांव में मौजूद रहे। वहीं इनके अलावा जफर सरपंच कोटिया, सरफुद्दीन प्रधान, इंद्रजीत यदुवंशी, खुर्शीद खाईका, जकरिया मलाई, जवाहर पहाड़ी, चौधरी मोहम्मद कासिम बिलाल सेक्रेटरी, डॉक्टर प्रभु दयाल, बलदेव पटवारी पहाड़ी, युद्धवीर सरपंच, इद्रीश खान उटावड़िया सरवड़, अमरू पहलवान, पूर्व विधायक हर्ष कुमार का बेटा भालू, शौकत अली पत्रकार, अर्शद बिस्रू पत्रकार तथा अन्य हजारों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर SDM वकील अहमद तथा चौधरी इसराइल खान ने पत्रकारों को सम्मानित भी किया। SDM ने मंच के माध्यम से ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही दादा बहाड़ कोटिया व दादी रजनीबाई की याद में एक खूबसूरत मकबरा व चार दीवारी पार्किंग जैसी सभी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इतना ही नहीं, SDM वकील अहमद ने हजारों ग्रामीणों से कोरोना वायरस वैक्सीन टीका लगवाने की भी पुरजोर अपील की है। ग्रामीणों ने भी SDM की बात को स्वीकार करते हुए कोरोना वैक्सीन टीका जल्द लगवाने का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता चौधरी इसराइल खान ने भी दादा बहाड़ कोटिया व दादी रजनीबाई की याद में एक पर्यटक स्थल बनाने का भरोसा दिलाया। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्शद बिस्रू की विशेष रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।